ज्ञान ज्ञान शलाखया चक्षु तस्मै श्री नमः श्री चैतन्य प्रतिष्ठा स्थापितं येन स्वयं अनुस्थापय तापि स्वतान्तिकम् अन्तेहं श्रीकमलं श्रीकृष्णमाश्य श्रीरूपं साक्षात्मं सहगतरघुनाथान्वितं हंसजीवं साधुमेकं सावत्तं हरिसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणः श्रीशाखान्च हे कृष्णा कर्मासिकाङ्क्षा राधास्तुते राधकाञ्चन कौताङ्गी राधे वृषभवनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमाङ्क्षाकल्पतरुश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्विता शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय स्वामिने सारस्वते देवेचारिणे निर्विशेष शून्यवादे हरे कृष्णा, आप सब का स्वागत है। टेक्निकल कारण से आज सबको कनेक्शन लेट होता, तो पिछले 3 दिनों से हम अखरूर जी के मनोरथ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आप में से कौन भक्त बताएंगे अखरूर जी के अभी कौन से मनोरथ, कौन कौन से मनोरथों की चर्चा होगी? क्या आप लोगों से बात नहीं हो पाती? मैं मालूम नहीं ना जो बोलता हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं, समय बहुत कम होता है। तो 3 दिन में जो कथा हुई आप लोगों को समझ आ रहा है कुछ? मैं आपको सेवा कर पा रहा हूँ सही ढंग से? हाँ जी। कौन कौन से मनोरथ की चर्चा हुई? अरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कल का है ना कनेक्शन पूरा वीक पूर था, मैंने कल का सेशन मिस हो गया है लेक्चर। मुझे रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे वहां से, आप अगर महाविद्यालय में बात करें। हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों कौन से उनकी चर्चा हुई? अरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी बताइए। कल इसमें बताया क्या था आपने मनोरथ? स्टार्टिंग में पहले तो उनको संकोच हो रहा था कि मेरे इतने पास है, मैं कैसे उनके दर्शन मुझे किस तरीके से मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो कंस जी के, मतलब कंस उन्हें जब बोलते, कंस ही उनके लिए मतलब उनके मनोरथ को पूर्ण करने का ऐसा उनको अवसर देते हैं, वो उन्हें वृंदावन धाम, श्री धाम वृंदावन के लिए भेजते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो उनके साथ शुभ संकेत, पहले तो वो मतलब सोचते हैं कि मतलब जोर से बोलिए कि आवाज बहुत कम आ रही है। यहाँ यदर्चितम ब्रह्मवादी भी यह सूर्य, मतलब उन भगवान की जो अर्चना है, पूजा अर्चना, ब्रह्मा जी शिव जी देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। और श्रेया मतलब लक्ष्मी जी देवी और देवता मुनिगण उनकी पूजा करते हैं। और गौचारण ये वाला अपना पूरा श्लोक, मतलब यद गोपिका नाम कुंच कुमकुमा किंतम, इसके बारे में आपने बताया था जी। और इसके बाद फिर आपने बताया था उनके चरणों के थ्रू सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली ऐश्वर्य के हैं उनके चरण जो हैं पुरुषार्थ के, और गायों के पीछे वो जब जाते हैं इसका संकेत देते हैं कि कृपा बांट रहे हैं। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी। और द्रक्ष्यामी नूनम, मतलब इतना प्यारा प्यारा, मतलब इतने प्यारे प्यारे श्लोक थे, मतलब उस श्लोकों से आपने मतलब कल पूरा बताया था। और जो शुभ संकेत हो रहे थे, हिरण उनके दाई ओर से निकल रहे थे, तो मतलब धीरे धीरे उनका जो लोलुप था बढ़ता ही जा रहा था। वो बोल रहे थे कि उनके मुख घुंघराले बालों से घिरा हुआ है, और उनके जो आकर्षक गालों का, उनकी नाक का, उनकी मंद मुस्कान का, चितवन का,
और लाल कमल जैसी आंखों से शोभ्यमान है, उसके उन्हें दर्शन होंगे। थैंक यू माता जी। और उन्हें आपने बताया था कि साढ़े चौबीस चंद्रमा जी। थैंक यू प्रभु। यस, 24 चंद्रमा, 24.5। थैंक यू मोना सर, मोना मेहता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, फर्स्ट डे जो आपने अक्रूर जी का मनोहरत में जो डिस्कस किया था, पहली बात ये कही थी कि वो ब्रज में ही क्यों रहे, मथुरा में ही क्यों रहे, क्योंकि ब्रज जो है मथुरा से पास था और वो उनको आशा बंद थे कि एक ना एक दिन मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगा। साथ में दूसरी बात आपने बताई थी कि कंस के जो है हमारे मन की तरह है, मन जो है बाहर की वस्तु से प्रभावित होता है और मन औरों को भी जो है प्रभावित कर सकता है। तो अक्रूर जी को ये आशा थी कि मैं कभी ना कभी जो है कंस को प्रभावित कर पाऊंगा। फिर उसके बाद जो आपने मनोरथ बताया था कि एक कि जो अक्रूर जी हैं वह रात को नहीं निकले, उन्होंने सुबह जो है रात को नहीं चले अक्रूर जी, सुबह सुबह जो है वहां नहीं पहुंचना चाहते थे, तो वो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया कि गोधूली के समय जो है वो वहां पहुंचे और भगवान के गोधूली के समय जो उनके दर्शन है वो करना चाहते थे। और फिर अक्रूर जी ने आपका मन में ये विचार आ रहा था कि मेरे जो है बिना जो है साधु की कृपा से, महत कृपा के बिना जो है भगवान के दर्शन नहीं होते हैं और भगवान जो अच्युत हैं, चाहे मैं इस लायक नहीं हूँ मगर जो है वो मुझे अपना जरूर दर्शन देंगे, वो उनका स्वभाव है कृपा करने का। और उस प्याजा मील और आपने कालिया नाग का जो है एग्जाम्पल से बताया था। फिर जो है उसके बाद जो है जब वो रास्ते में जा रहे थे तो अक्रूर जी का जो लॉल्यम है भगवान के दर्शन का वो बढ़ता जा रहा था। पहले उनको लगा कि सारे अमंगल नष्ट हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा मैं चरणों के दर्शन कर पाऊंगा। फिर उन्होंने जब शुभ शग्न देखे कि हिरण जो है बाई तरफ से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उन्हें उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि मैं मुक्त का दर्शन कर पाऊंगा, और लालच बढ़ता गया और उनका पूरे सर्वांग रूप में, पूरा रूप में मैं जो है दर्शन करूंगा। हरे कृष्णा। देखेंगे ये भक्ति की खूबी है, अगर हम सही ढंग से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं निश्चित रूप से भी हमारे मनोरथ ऐसे होने चाहिए, हमारा लौल्य हमारी लालच बढ़ती जानी चाहिए कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, कब मैं 25 माला करूंगा, 64 माला करूंगा, और कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए भक्ति से। भक्ति का अर्थ है कृष्ण के लिए तृष्णा और बढ़ती जा रही। तो अक्रूर जी पहले निकले, पहले उनकी इच्छा थी भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो जाए, फिर पूछा हुई नहीं सुंदर सुपोल नासिका वाला उनका सुंदर बुखारविंद के दर्शन हो जाए, फिर बोले नहीं सर्वांग के दर्शन हो जाए। और फिर वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से कल जो हमने चर्चा की आखिरी जो श्लोक था, यस्या अखिला अभी अभी सुमंगल वाचो विमर्शा गुण कर्म जन्म भी प्राणंत शुभंति पुनंती वे जगत दस्ताद विरक्ता शव शोभना मदा। मैं किनके दर्शन करना चाह रहा हूँ, जिनके गुण जन्म के गुणों के कर्मों के और जन्म की चर्चा करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुमंगल आ जाता है, और ऐसे कोई भी शब्द जो भगवान के गुण कर्म और जन्मों से मिश्रित होते हैं उनमें गुण आ जाते हैं जो हमें प्राण प्रदान करते हैं, नया जीवन देते हैं, हमें शुभ बना देते हैं, हमारे अंदर कृपा और मत्सरता हमसे चली जाती है और कृपा हृदय में प्रकट होती है और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और जो लोग भगवान के श्रवण कीर्तन में नहीं जुड़ते तो चलते फिरते शव के समान है, शव शोभ। यहाँ पे हमने चर्चा की, अब हम श्लोक संख्या 13 से वर्णन। इस प्रकार से अक्रूर जी का लौल्य बढ़ता जा रहा है। श्लोक संख्या 13। किल सत्मतान्मये स्वासे तुपाला अमर वर्य शर्म कृत शोवितन्वन व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेष मंगलम। तो जी कह रहे ते ही भगवान। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, झूठ कर लीजिए।
जी ही अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये ही भगवान, ये ही भगवान सात्वक वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित, जो उनके द्वारा निमित धर्म के नियमों को धारण करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, उसकी महिमा देवतागण गाकर कर सबों को मंगल प्रदान करते हैं। कह रहे हैं सचावतीर्णा किल सत्वदान भये, सा मतलब वो भगवान, कौन से भगवान, तो ये पिछले दो श्लोकों से संबंधित। 11 नंबर श्लोक में ये बताया गया था तो दृष्टि करने मात्र से ही पूरे संसार की रचना कर देते हैं। 11 नंबर श्लोक का या इक्षता अहम रहितो अपे असत सतो स्वतेजसा अपसाद तमो भिदमरमा स्वमायया अंधचित्ते स्थल दीक्षया प्राणा अक्षदी सदनेशोभियते। जिस केवल दृष्टि करने मात्र से पूरे अहंकार रहित तो सृष्टि की रचना करते हैं। 11 नंबर श्लोक में ये बताया वही उन्हीं के गुण कर्म जन्मों का गुणगान करके हम शुद्ध हो सकते हैं, अपने प्राणों को प्राप्त कर सकते हैं और पवित्र हो सकते हैं, सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। वही भगवान जिनके दृष्टि करने मात्र से सृष्टि की रचना होती है, जिनके गुण कर्म और जन्मों के गुणगान से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन में सारा सुमंगल आ जाता है, वही भगवान सच अवतीर्ण किल निश्चित रूप से निस्संदेह पूरे शास्त्रों का यह निर्णय है, पूरे भक्तों का यह मत है, सात्वता अन्वये सात्वतों के कुल में उत्पन्न हुए हैं, यदुओं के कुल में। तो क्या किया, स्वसेतु उन्होंने अपने धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणतम, भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए कैसे जीना चाहिए धर्म दे, तो स्वसेतु तो धर्म के संकेत पाल उनके धर्म का पालन करने का कर्तव्य भगवान ने देवताओं को दिया हुआ है, तो देवताओं को अमर भी कहते हैं। पर अमर में जो वरे हैं वो हैं ब्रह्मा जी, अमर वर मुख्य देवताओं का। तो भगवान जो अवतीर्ण होते हैं यदु वंश में प्रकट हुए हैं, निश्चित रूप से सभी शास्त्रों का मत है, सभी उन्नत कोटि भक्तों का मत है, वो किस लिए प्रकट होते हैं, अपने अपने द्वारा दिए हुए धर्म का पालन करने वाले मुख्य देवताओं को शर्मकृत, उनको प्रसन्नता देने, शर्म का मतलब होता है हर्ष, उनको हर्ष देने, यानी भगवान का प्राकट्य देवताओं को प्रसन्न करने के को हर्ष देने। भगवान का कार्य हर जीवों को हर्ष ही देना है। हम फिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, दुख आते हैं हमारे गलत कर्मों के कारण, जब हम अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं तो हम अपने दुख का कारण हम खुद बनते हैं। भगवान का तो केवल एक ही उद्देश्य है कि वो सबको आनंद दे, भगवान आनंद घन के स्वरूप, भगवान दुख तो दे ही नहीं सकते, भगवान करुणा के सागर, भगवान की नेचर है, भगवान का स्वभाव है सुख देना और कृपा करना। वो आते ही उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया जो मुख्य देवता है विशेषकर ब्रह्मा जी, उनको वो आनंद दे सके। तो वो जो आनंद कृष्ण है यशो वितिन्वन रजे आसते श्वरा, वही जो अवतीर्ण होकर क्या कर रहे हैं अब रज आसते रज में उपस्थित, और यशो वितिन्वन हालांकि वो रज में उपस्थित हैं, उनके यश का गुणगान सभी सभी लोकों में, देवतागण में उनका गुणगान कर, देवतागण ब्रज में आते रहते हैं। गोवर्धन लीला में इंद्र जी को भेंट हुई ब्रज कृष्ण से, ब्रह्मा जी ब्रह्म विभू लीला में, और फिर अपने लोकों में जाकर खूब कृष्णों का गुणगान। तो हालांकि कृष्ण तो ब्रज में आसीत हैं उपस्थित हैं, लेकिन उनका गुणगान देवताओं के द्वारा हो रहा है। गायंती देवा अरे गायंती देवा यद अशेष मंत्र, और उनके गुणगान से क्या हो रहा है, सर्व कल्याण का गुणगान जो है सबों को मंगल प्रदान कर। तो ये अशेष मंगलम, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के गुणों का गुणगान करने से सब कुछ मंगल ही मंगल, यानी कि हर एक प्रकार का मंगल अपने जीवन में चाहते हैं, भौतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, हर प्रकार का मंगल कृष्ण के गुणों का गुणगान करके, कृष्ण के यशों का गुणगान सकता है।
या फिर कृष्ण के यशों का गुणगान करके सब जगह मंगल ही मंगल स्तुत कर सकता है। ये अशेष मंगल, यानी कि कोई भी मंगल बचता नहीं है अगर हम कृष्ण का गुणगान करते हैं। इतना सुंदर श्लोक है, यानी कि हर प्रकार का मंगल हम कृष्ण के गुणगान से मिल जाता है। अब वही जो कृष्ण है उनको आज मैं बताऊंगा, उनको मैं प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी सोचते जा रहे अक्रूर जी का मनोरथ कि किस प्रकार से ये कृष्ण जो है सभी देवताओं का गुणगान, और अक्रूर जी के हृदय में पूरे ब्रज की लीलाएं प्रकट। और अक्रूर जी सबसे बड़ा हमारे जीवन का मंगल क्या होगा, हमारे जीवन में सबसे बड़ा मंगल होगा हमारा मन कृष्ण के चरणों का पूर्ण रूप से निर्देशित होगा। बाहर की परिस्थितियां तो बढ़ती रहेंगी संसार की, हमारे सबसे मंगल का सिद्ध यह है कि जीवन की हर परिस्थिति में हम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ये हम भगवान का हर परिस्थिति गुणगान करते हैं, यही सबसे। और ये जो भगवान का गुणगान करना है हमारे लिए साधना भी है और साधना। और देवताओं के लोकों में केवल कृष्ण का ही गुणगान चलता है, वहां कोई उल्टे सीधे फिल्मी गाने नहीं चलते, कृष्ण का। अक्रूर जी रज में जा रहे हैं, रथ पे चढ़ साथ में ये याद रख रहे हैं इस प्रकार से भगवान का गुणगान सभी देवतागण करते हैं उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए। फिर वो सोचने लगते हैं भगवान तो ब्रज में आसीत हैं, क्या भगवान वहां पे बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, कभी भगवान ब्रज को छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्या वो मेरे साथ आएंगे? और द्वारका में जब भगवान गए थे भगवान कभी हस्तिनापुर चले जाते थे, कभी कुरुक्षेत्र चले गए, तो भगवान जाते रहते थे। ब्रज में आने के बाद बाहर नहीं जाते तो क्या वो आएंगे बाहर? बोला नहीं, सातवत अन्वय हमारे कुल में जन्म ही इसीलिए है और देवताओं को हर्ष देने के लिए वो प्रकट हुए हैं, तो देवताओं की रक्षा के लिए वो मथुरा आएंगे। क्या आएंगे देवता अगर कंस द्वारा पीड़ित हो रहे हैं वो हर्ष देने के लिए इष्ट का आएंगे। इस प्रकार से उनका बच्चा महताम गतिं वरुं त्रैलोक्यकान्तां दृशिमन् महोत्सवं पं तदानं श्रिय इप्सितास्पदं रक्षे ममास्नु सहसा सुदर्शनम्। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के असली सौंदर्य संधे उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा भी अपिप्सित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभाव शुभ मन बहुत सुंदर का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, का जो लौले और आगे बढ़ता जा रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, आज मैं उन्हें महाताम का मतलब महात्मा लोग, इनका मन बहुत बड़ा है, बिग हार्ट है महात्मा। एक होते हैं दुरात्मा, एक होते हैं महात्मा। महात्मा वो होते हैं महात्मा नार्थ देवी प्रकृति भाषा भजंती अनन्य मन सा, अपने बिल्कुल अन्य मन से वो कलेक्शन क्या है सततम प्रीतम। तो ये जो महात्मा लोग हैं उनके वो गति भी, गति के दो अर्थ कि डेस्टिनेशन है कि जीवन के लक्ष्य, और साथ ही साथ गति का अर्थ होता है उनको जीवन के लक्ष्य को पाने के उनके मीन्स यानी कि साधना भी हो। और महात्माओं के वो गुरु भी, गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं भगवान को कैसे प्राप्त करना है, महात्मा लोग भगवान स्वयं गाइड कर, तो इसलिए उनके गुरु भी भगवान ही। जब किसी जीव का उद्धार करने आते हैं हमारे सामने वो गुरु तम त्वद्य नूनम महताम गति त्रैलोक्य कांताम ऋषिमन महोत्सव। त्रैलोक्य कांत तीनों लोग, इस पूरे संसार को तीन लोकों में बड़े बड़े डिविजन में बांटा गया है, ऊपर के लोग, मध्य के लोग और नीचे के लोग, और इसका फाइनल डिविजन किया गया तो 14 लोग हैं, लेकिन बड़े कैटेगरीज में स्थूल रूप में तीन। तो तीनों जगत के सुंदरता है,
त्रैलोक के काम शब्दार्थ में आया है, वो ब्रह्मांड के असली सौंदर्य। त्रैलोक के कांतम और ऋषिमन महोत्सव, जिन लोगों के पास भी आंखें हैं, ऋषिमत मतलब आंखों वालों के लिए महोत्सव, कृष्ण के दर्शन करना महोत्सव महान उत्सव है। और उनका रूप ना सुंदर है, रूपम ददानम श्रियम इप्सितास्पदम, उनके जो रूप है उसको ये आश्रय लक्ष्मी जी को देना चाहिए, हमेशा नारायण की सेवा में रहते हैं, नारायण भी कृष्ण का ही विस्तार है, लेकिन वो नारायण को छोड़कर कृष्ण के रूप दर्शन के लिए ललायत रहती हैं, अभी भी उनको दर्शन नहीं पा रहे, देल मन में इतनी तपस्या कर रहे हैं कृष्ण के दर्शन, उनको रक्षे उनको मैं देख पा, को लक्ष्मी जी में नहीं देख पा रहे, पूरे ब्रह्मांड की असली सुंदरता है, इनको देखना मात्र ही महोत्सव है। जो बड़े बड़े महात्माओं के देवताओं के गति हैं, गुरु हैं, रक्षे आज उनको निश्चित रूप से मैं देखा, सुंदर ये मनोरथ है। कैसे तो उससे क्या हो गया, मम आसन शसा सुदर्शन, और मेरी जितनी भी सवेरे थी, कुशस मतलब सुबह सुबह का जो समय, अखरूट जी को पिछले कई दिनों से सुबह सुबह अच्छे लक्षण दिखाई देते, अब सब के सब शुभ हो गए, सबका परिणाम आज मिल गया, आज मैं निश्चित रूप से त्रैलोक्य कांता का आचार्यगण दो अर्थ और बताते हैं। एक अर्थ तो यह है कि पूरे ब्रह्मांड की असली सुंदरता है, दूसरा अर्थ ये है इस पूरे तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर है वो कृष्ण की उपस्थिति संसार में, हम सब प्रकृति की सुंदरता की सराहना करते हैं, स्त्री पुरुष की सुंदरता की सराहना करते हैं, जो कुछ भी कहीं भी सुंदरता है कृष्ण की उपस्थिति। और तीसरा त्रैलोक्य कांत का अर्थ है त्रैलोक्य मैंने तीनों लोक का अंतम, का अर्थ है भौतिक सुख, अंतम मतलब समाप्त, जिसने एक बारी कृष्ण के दर्शन कर लिए उसके लिए इस तीनों जगत का सुख अंत, उसको संसार की और कोई चीज नहीं आती। प्रकाश से रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर श्लोक करते हैं, अरे भाइयों अगर आप चाहते हैं कि आपका संसार बसा रहे, रिश्तेदारी बनी रहे, आपका काम धंधा चलता रहे, कभी भी गलती से भी वंशी वटकेशी घाट में मत जाना, वहां त्रिभंग रूप में गोविंद के दर्शन, एक बारी आपने दर्शन किया पूरे संसार से रुचि खत्म हो जाएगी, सारा संसार छोटा त्रैलोक्य काम का भौतिक सुख अंतम, इस संसार की कोई चीज हमें इस प्रकार से कृष्ण के दर्शन के लिए इस प्रकार से अखरूर चीता करते हैं, ऐसी हमारी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तरुण स्तंभ के पीछे खड़े होकर एक बारी एक बूढ़ी अम्मा आई, बूढ़ी माँ उसको दर्शन की लदाई थी, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं जो कि स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे, बड़ी सख्ती से अपने सन्यास धर्म का पालन करते थे, तो स्त्री चैतन्य महाप्रभु कंधे पे चढ़ गई और भगवान के दर्शन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के सचिव सेक्रेटरी गोविंद, अरे ये क्या, अब वो स्त्री को छू भी नहीं सकते, बोले नीचे होता नीचे होता, आप उसको रोक रहे, आप गोविंद को डाल रहे, आदिवासी कहीं इसको मत, तुम छो जा देखो तो सही, जब वो स्त्री नीचे उतर गई आप रोने लगे, कहा मेरे अंदर पान के दर्शन करने ऐसी लालसा कब, मेरे पान के दर्शन के बहुत ही अनाई था, अस्त भगवान के दर्शन होना महोत्सव है, आपको महोत्सव है, अभी हमें भगवान के दर्शन इतने आकर्षक नहीं लगते, हम मंदिर में जाते हैं आज सूर्य को देखते हैं, थोड़ी देर देखा कि हमारा मन भटकना शुरू हो जाता है, इधर हम संसार के सुंदरता से बहुत ज्यादा आकर्षित, तो इतने अच्छे ढंग से हरि नाम लेंगे, अच्छे ढंग से नियमों का पालन करेंगे, भगवान की महिमा को सुनेंगे तो हमारा आकर्षण बढ़ेगा, और फिर हम ध्यान पूर्वक भगवान को करेंगे, भगवान अपने सुंदरता को हमारे सामने करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो अब क्या कह रहे हैं, वरुणा सपदीशयोरथा प्रधान सो चरणम स्वलभे,
तम यो वीरहप्यहं ध्रुवं तमस्य आभ्यां च सखी वनौकसः। तो इसका भाव तब मैं अंत अपने रथ से शुरू कराऊंगा भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम गुरु के चरण का संस्कार करूंगा, उनके पैर वही हैं आपके साक्षात्कार के रूप में निश्चित। बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते हैं, गुरु के बाल मित्रों का वृंदावन के अन्य समस्त वासियों को भी अपना नमस्कार कह रहे हैं। अथाव रूढ़ा सपद ईशयो रहे, तो अथा अब क्या होगा जब मैं उनको देखूंगा, क्या कहूंगा अवरूढ़ा उतर जाओ। तीन स्टेज होते हैं, आरोह को बोलते हैं चढ़ना और रूढ़ा आरोह को बोलते हैं चलना और अब रूढ़ा को बोलते हैं चढ़ा हुआ और अब रूढ़ा का मतलब उतरना। वो रथ में थे, बोले कि अब मैं उतर जाऊंगा। सपत तुरंत ईशया दोनों ईश्वर अर्थात रथ से जैसे मैं दोनों के दर्शन करूंगा अपने रथ से नीचे करूंगा, क्या करूंगा प्रधान पुंसो चरणम सदा। दोनों प्रधान पुंसो, दोनों जो प्रधान है कृष्ण और बलराम के चरणों को, उन चरणों को क्या है क्या खूबी है पीछे के चरणों का गुणगान कर सके। स्वलब्ध है उनको आत्म साक्षात करने के लिए धियाधितम योगी भी, योगी जन है अपनी बुद्धि से उनको पकड़े हुए बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान के चरणों पे वो मनन कर। मैं क्या करूंगा तुम नमस्य आभयाम, अब उनकी जो वो है इच्छा और गहरी हो गई। पहले तो ये था कि भगवान के चरणों के दर्शन हो गए, भगवान के मुखारविंद के दर्शन हो गए, भगवान के सर्वांग के दर्शन हो गए, उनका गुणगान करते करते अब कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों के पास जाके उनको नमस्कार करूंगा, उनको छूऊंगा। बोले निश्चित रूप से मैं क्या करूंगा उससे आप व्याम उन दोनों के चरणों को नमस्कार करूंगा, साथ साथ उन दोनों को ही नमस्कार नहीं करूंगा, उनके साथ सखी न बना कसो जितने भी उनके मित्र हैं जितने भी वनवासी दिखाई देंगे सबको मैं नमस्कार के तो मनोरथ है पढ़ता जा। तो योगी जन है वो भगवान के चरणों का केवल हृदय में मनन कर सकते, को भगवान के चरणों के दर्शन में और ना ही वो भगवान के चरणों को नमस्कार कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते छू सकते अधिक से अधिक मनन कर सकते। लेकिन अखरूर जी तो पहले ही जब वृंदा मथुरा में थे भगवान की लीलाएं सुनते थे, भगवान के चरणों को तो शुरू से ही वो मनन कर रहे थे, आज वो जैसे ही भगवान को देखेंगे तुरंत रथ से उतर जाएंगे और कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, उनके साथ जो के सखा होंगे वो भी प्रणाम करेंगे और जितने भी वनवासी होंगे। देखिए बहुत जरूरी बात है कि प्रधान पुरुषो चरणम, कृष्ण बलराम प्रधान पुरुष हैं, तो बोले भैया तो सखाओं को प्रणाम करने की क्या जरूरत है, कर तो दिया कृष्ण बलराम, नहीं अगर वो भी सखा हैं तो उसका मतलब उनके बराबर ही हैं, इसे तो सखा नहीं बनेंगे, वो प्रधान पुरुष हैं तो ये भी प्रधान। प्रकार से आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात परम परम देवी तदिया नाम समर्चनम, परम पुराण में शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं इतने देवता गण है कि हम आराधना करते हैं, सर्वोच्च आराधना विष्णु जी की, विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है तदिया नाम समर्चनम, उनसे जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए वस्तुओं की भगवान के नाम की भगवान के भक्तों की उनकी आराधना भगवान की आराधना से ज्यादा श्रेष्ठ है। गुरु जी जानते हैं इस बात से, बोले उनके सखाओं को भी मैं नमस्कार, सखाओं को भी नहीं जितने भी वृंदावन वासी दिखाई देंगे सबको मैं नमस्कार, हमको एक नया मनोरथ है। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं जी मंदिर में भी आते हैं, हाँ जी प्रधान जी कौन है, हम खाली टॉप मोस्ट व्यक्ति को पकड़ेंगे केवल उसी के आगे पीछे घूमेंगे बाकी तो अपने आप सब सेट हो, ये भौतिक मानसिक भक्ति में आगे बढ़ना है तो
हमारा उद्देश्य है, हमारा हमारा जो फॉर्मूला है भक्ति मार्ग मैंने कहा गोपी भरते पद कमलेव दास दासान दासों के दासों के दासों के दास। चैतन्य लीला में हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की, अपने चरण कमल रख बोला आपको शीघ्र ही महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे। बोला सब जितने भी ये भक्त हैं सबका आशीर्वाद, सबको प्रसन्न करो, सबके लिए फीस्ट करो, इसीलिए बिना भक्तों की कृपा की कृपा नहीं, बिना गुरु कृपा के कृष्ण की कृपा नहीं। इसीलिए जो भी भक्ति में जुड़ा होगा, जो कृष्ण बलराम की सेवा में कर रहे हैं कि सखा बोले मैं फिर बहुत विशेष है, उनको भी मैं प्रणाम करूँ, तो अपने उसमें उन्होंने अब कृष्ण बलराम को पतितस्य मे विभो क्षीरस्य धास्य निज हस्त पंकजं भक्ताभयं काल चारं रहसा बोधे चितानां शरणेषु नाम्ना। और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा सर्वशक्तिमान प्रभु सर पर हर पर तो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर शरण पाते हैं, आज उनके सारे भय और लालच बढ़ गए, केवल चरणों को देखना ही नहीं है, चरणों के पास जाके चरणों में गिर जाना है। हम लोग चरणों में गिर जाऊंगा तो क्या करेंगे, मन ऐसा कर देना अपना पंकज कर पंकज अपना कर कमल अपना सुंदर कर कमल हाथ नीचे गिरा होगा। अब अक्रूर जी तो कृष्ण के चाचा जी हैं, और वे बड़े हैं, ऐसे तो हाथ रख नहीं सकते, बड़े होंगे तो अब नीचे बिल्कुल दरबार प्रणाम किया होगा, निश्चित रूप से कृष्ण छुपेंगे, पहले तो अपना हाथ के सर पे रखेंगे, तो ऐसे ही करेंगे। अभी अंग मूले मूले का अर्थ है बिल्कुल नजदीक चला जाओ, छू लूंगा पकड़ लूंगा, पति तस्य गिरा रहूंगा, मेरे वो मेरे शक्तिशाली प्रभु क्या करेंगे, शीरस्य अधास्यत जो हस्त अपना हस्त पंकज मेरे सर पर। तो बहुत ही विशेष देखिए ना सुंदर व्रत और चल रहा है, और मनोरथ हम सबको जीवन जब तक ये मनोरथ रहेगा हमारे जीवन में हमारा भक्ति में उत्साह बहुत आवश्यक। शिला प्रभुपाद जी के 42 साल तक प्रभुपाद भारत में संघर्ष करते रहे, उनका मनोरथ ऐसी प्रभुपाद झांसी में थे तभी से प्रभुपाद ने सोच लिया था इंटरनेशनल लीग ऑफ यूनिवर्स कैसा होगा, अंतरराष्ट्रीय समाज कमाल की बात है। छोटे से मंदिर में रह रहे हैं प्रभुपाद वहां पे राधा दामोदर में, लेकिन अभी राधा मंदिर गए झांसी में ही थे, झांसी में ही थे, अभी घर भी नहीं छोड़ा था। इतना बड़ा मनोरथ कि मैं एक पूरा अंतरराष्ट्रीय संघ खड़ा कर दूं, तब हाथ में कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा मनोरथ, उसके लिए कितना संघर्ष किया, मनोरथ को पक्का था और उसके बाद पूरा संघर्ष किया उनको। इसीलिए जब तक कोई हमारा इतना बड़ा मनोरथ लेकर नहीं चलेंगे ऐसे हम अपनी आगे बोले मैं जाऊंगा के पाँव में पड़ूंगा तो अपना हस्त पंकज मेरे सर पे मेरे सर। तो ये जो भगवान का हस्त पंकज है अब उसका गुणगान करें, एक क्या दत्ता भयं काल भुजांग रक्षा क्रोधे जिताना शरणम शुनाम उत्तेजित दाना प्रकष्ट रूपे न उत्तेजित इति प्रोत्तेजित। बहुत ही अत्यंत व्यग्र है संसार में हर व्यक्ति सदा सुमति असत, क्योंकि संसार में व्यक्ति असत वस्तुओं से असत है, हमेशा उसका मन और काल भुजांग रहस्यम दत्ता भयं। लेकिन जो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं वो इस संसार से भय कर डर लगता है, कभी भी मृत्यु हो गई क्या मुझे, तो
एक उसकी तुलना की गई है काल भुजंग से। समय को बोला गया काल भुजंग, जंग सांप होता है वो मेंढक को धीरे धीरे दिखता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सूर्य के उदय सूर्य के अस्त होने से हमारी आयु घटा, आयु हरती वही इंसान उद्यत अस्तन चयन क्षण का उत्तम श्लोक भगवान की भक्ति। सूर्य के अस्त होने पर काल सत निकल बालू में चलता कैसे हमारी आयु घटती है। जो लोग इस संसार से जाते हैं और ऐसे भय को दूर करते हैं आपके अत्यंत विचलित होकर शरण किसी प्रकार का भय है असली शरण देंगे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्गया माम माया नाम कर और कोई शरण नहीं चलेगी। ते आप प्रहलाद देशु आत्म सेनेशु न सतभी तेषां प्रमतो लिखना पश्चिन। हम लोग अपने संसार में तरह तरह के आश्रय, मेरा शरीर मुझे बचा लेगा, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, मेरे साथी मेरी पत्नी मेरे मेरा धन कुछ ये सब असत है। इस सैनिक जो हमने इकट्ठे किए हमारी रक्षा के लिए सब के सब असत हैं, खुद ही गिर जाते हैं, मेरी क्या रक्षा। असली जो शरण है वो हमें भक्ति भक्त और भगवान की, ये जो तीन शरण है हमारे परमात्मा भगवान भक्त और भक्ति। भक्ति में मुख्यतः नाम भगवान है, इसीलिए तो भगवान का हाथ है। ऐसे ऐसे लोग जो संसार से मुक्ति चाहते हैं उनके भय को दूर कर। और अब भगवान के जैसे उन्होंने पहले चरणों की वर्णन की थी कि मैं भगवान के चरणों को देख सकूं, और फिर उन्होंने भगवान के चरण कमलों का गुणगान किया था। अब उनका मनोरथ है भगवान अपने कर कमल से मेरे सर को छुए। अब भगवान के कर कमलों का गुणगान, क्या गुणगान है। स्मरणम यत्र निधाय कौशिक तथा बलिश्चाप जगतेन्द्रियाताम वाविहारे वल्योषिताम शमम स्पर्शेन सौगंधिक गंध्य संख्या पुनादर। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया, और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीनों को पोंछ कर की थकान दूर की के मुख स्पर्श से उस हाथ को अधूर फूल की तरह सुगंधित बनाया। बहुत ही एक एक श्लोक इतना शब्द का रस से भरा हुआ बोले हैं। समहरणम यत्र निधाय कौशिक, समहरण का मतलब है पूर्ण रूप से अर्हण, पूर्ण रूप से उनकी अर्चना की गई, उनको समर्पित किया गया, उनको भेंट की गई। यत्र निधाय कौशिक जिसको जिनके हाथों में रखा तो कौशिक तथा बलिश्चाप जगतेंद्र यात्रा, कौशिक ने और बलि ने इन हाथों में इन कर कमलों में भेंट दी, उनको क्या प्राप्त हो गया। तो प्राप्त हो गया जगत राम तीनों लोगों के वो इंद्र बन के शासन। तो भगवान के हाथों की आचार्य गण बताते हैं तीन मुख्यता गुण बन। पहला गुण पिछले उसमें श्लोक में बताया गया कि जो मोक्ष चाहते हैं और संसार से मुक्ति चाहते हैं उनको भगवान के कर कमल अभय प्रदान। जो लोग भौतिक इच्छाएं चाहते हैं तो भगवान के कर कमल हर प्रकार की भौतिक संपन्नता प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण है बलि और कौशिक। कौशिक कौशिक इसमें आए का पौत्र कौशिक में कोई इंद्र बने होंगे, तो उन्होंने इंद्र वही बनते हैं जो सो अश्वमेघ यज्ञ किए हों। अश्वमेघ यज्ञ का फल भगवान के हाथों में था और सिर्फ होते। फिर बलिश्चा बलि महाराज के पास जब वामन देव आए शिक्षा मांगने, बलि महाराज ने संकल्प, संकल्प जब लेते हैं खुद अपने जल में पानी डालते हैं और जिसको दान देना होता है उसके हाथ में पानी डाल। बलि महाराज ने वामन देव के हाथ में रखा, भेंट दिया, संकल्प करने को कहा आप ग्रहण करेंगे मैं दूंगा,
केवल भगवान के कर कमलों को देने मात्र से वो तीनों लोगों का राज्य, अगर देना ही है किसी को तो भगवान को ही देना चाहिए। हम लोग तरह तरह की स्कीम ढूंढते हैं, ये बॉन्ड आ रहा है जी, ये सरकार की नई स्कीम आ रही है जी, 6 साल में पैसा डबल होके मिल जाएगा। भगवान का तो करोड़ों करोड़ों गुणा मिलेगा। बलि महाराज ने क्या प्रॉमिस किया देने का, 3 पग जमीन या थोड़ा सा पानी हाथ में डाला, क्या मिल गया? उन्होंने घोषणा कर दी वामन देव जी ने, अगले मनमंत्र में आप बन रहे हैं और इस मनमंत्र में भी मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड बनते रहूं। सूतर लोक में इंद्र से बड़ा ऐश्वर्य, उसकी रक्षा मैं आपकी, और अगले मनमंत्र में आप तो बनेंगे और ऐसे इंद्र बनेंगे जिसको कोई तकलीफ नहीं। तो इंद्र के शासन में कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं, कभी असुर लोग आक्रमण करते हैं, कभी देवताओं के बीच में आपस में कुछ अनबन चलती रहती है। बलि महाराज इंद्र बनेंगे, भगवान का विशेष आशीर्वाद, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़चने। देखिए तो भगवान का जो कर कमल है वो मुक्षु लोगों को, जो मुक्ति चाहते हैं उनको अभय प्रदान करते हैं, जो लोग भौतिक इच्छाओं से भी आते हैं भगवान के कर कमल उनको पूर्ण संपन्नता प्रदान, और जो भगवान के यही भक्त हैं यही कर कमल अपने देवी भक्तों की सेवा में चलते। इस प्रकार हमने चर्चा की थी भगवान के चरण कमलों, जिन चरण कमलों की अर्चना शिव जी और ब्रह्मा जी देवतागण करते हैं, लक्ष्मी जी करते हैं, बड़े बड़े मुनि जन और भक्त करते हैं, वो चरण कमल गायों की सेवा करने के लिए उनके पीछे भागते हैं, और वो चरण कमल गोपियों के स्तनों का जो उच्चिष्ट कुमकुम है उसको अपने पैरों में उनका वो श्रृंगार बनता है, गोपियों की श्रेष्ठता। इसी प्रकार से यहाँ पे जो कर कमल मुमुक्षु लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं, उनके जगत के भय को दूर करते हैं, जो भौतिक इच्छाओं से आते हैं उनको हर प्रकार की संपन्नता देते हैं, तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। ब्रज योषिता, जो बिल्कुल भगवान के प्रेम में डूबी हुई हैं, यद्वा विहारे ब्रज योषिता श्रमम, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के साथ रासलीला में करते करते गाते नाचते और थक जाती हैं, भगवान क्या करते हैं, स्पर्शें, अपने इन कर कमलों से थकावट दूर कर के माथे पे आए पसीने को साफ कर। से क्या होता है, सौगंध का घंटा पान कर उनको, गोपियों को क्या महसूस होता है, सौगंधिक कमल की खुशबू। एक पद्म, एक सरोवर है उसका नाम है मान सरोवर, पुराणों में इसका वर्णन आता है, उसमें एक सौगंधिक नामक कमल। तो जो भगवान के कर कमलों से वो सुगंध निकलती, और जो मानसरोवर सरोवर में पाया जाने वाला सौगंधिक कमल है, सौगंधिक कमल की जो खुशबू है, जो महक है, वो भगवान के कर कमलों से निकलती है करोड़ों करोड़ों गुणा अंश के रूप, करोड़ों करोड़ों गुणा अंश के रूप। लेकिन ये भगवान के कर कमलों के स्पर्श से जो सुगंध है, बलि महाराज या इंद्र को नहीं आएगी, भगवान ये जो सुगंध है वो ब्रज योषिताओं के लिए। भगवान ऐसा नहीं कि फटाफट ऐसे पसीना साफ कर, भगवान भी आसक्त हैं अपने प्रेमी भक्तों की सेवा के लिए, बड़े प्रेम से भगवान गोपियों के माथे पर, उनके मुख पर जो नाचते हुए गाते हुए भगवान की प्रसन्नता के उन्होंने सब कार्य के लिए श्रम किया, उसके कारण जो थकावट हुई भगवान को राहत हुई, इस पसीने को अपने हाथों से साफ कर, भगवान को भी इसमें आनंद आया क्योंकि वो छू रहे हैं चेहरे को, इतना नजदीकी से छोड़ रहे हैं, तो उनके जो कर कमलों की सुगंध है ये सौभाग्य और किसी को प्राप्त, इसमें गोपियों की उत्कृष्टता स्थापित। तो विश्वनाथ शक्ति ठाकुर जी इसके स्मृति काम करते हैं, अलग बात है, तो जो भगवान के कर कमलों में सुगंध आ रही है, सौगंधिक कमल जैसे, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने गोपियों के सुंदर मुख से पसीने को साफ, वो स्पर्श किया, इसी का इसके सुगंध, ये भी एक गोपियों का देह भी साधारण देह नहीं, और जो देह पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है, वो सनातन गोस्वामी जी
जेल से भागकर बड़ी कठिनाइयों के साथ वाराणसी में पहुंचे और कपड़े मैले कुचले और शरीर दाढ़ी बढ़ गए, बाल बढ़ गए। स्वामी चंद्रशेखर आचार्य ने उनका को मार हो तो देखो बाहर कोई आया है, बाहर कोई वैष्णव बैठे हैं क्या? तो बोला नहीं कोई वैष्णव नहीं है। उन्होंने सोचा सनातन गोस्वामी तो बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल मैले कुचले कपड़े ये वैष्णव। बोला कोई दरवेश कोई सूफी संत आया हुआ है? आपने बोला कोई भी है उसको देख, कोई ना कोई तो है ना कोई जाना नहीं। महाप्रभु ने देखा आप सनातन गोस्वामी जी रो रहे हैं, महाप्रभु की आंखों से दर्शन करा गए, आप शेख कर स्वयं के शरीर को साफ कर। सनातन गोस्वामी क्या करें महाप्रभु, बहुत गंदा है उसको छू रहे हैं। नहीं आपके शरीर को छूकर मैं पवित्र, ये भगवान की सेवा करते हैं श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण ने रज योषिताओं के रज गोपियों के सुंदर चेहरों को स्पर्श किया तो उसके कर कमरों में सौगंधिक सुगंध। इसके बाद मनोरथ करते करते अचानक यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है तो अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे, आपके सर्वज्ञ प्रभु भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं, क्षेत्रज्ञ हैं और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद जीव के सारे प्रयासों को अंतर से और विशेष बोल रहे हैं कि ना मई पेशयति हरि अरी अरी मतलब अरी बुद्धि अच्युत भगवान जो है ना मैं उपेश मुझे देखकर उनके अंदर ये बुद्धि नहीं होगी तो शत्रु का व्यक्ति शत्रु का संदेश कंस से दूता पर तो हालांकि मैं कंस के द्वारा भेजा गया हूँ लेकिन वो हर वस्तु के साक्षी ईश्वर वो अच्युत हैं तो कभी गलती नहीं करते, कभी चुत नहीं होते स्थिति से, वो विश्व दृक हैं, वो हर वस्तु के साक्षी हैं। और क्या हैं वो? जो अंतर बाहिर चेतसा, तो अंदर तथा बाहर हृदय के चेता वो कुछ भी किया उसको जानते हैं और क्या है क्षेत्रज्ञ हैं, सब कुछ देख कैसे देखते हैं अमलेन चक्षुषा बिना किसी दोष दृष्टि अमलेन पूर्ण रूप से इतना विश्वास है भगवान के गुणों को। हालांकि पूरी दुनिया मुझे देखिए अक्रूर जी की स्थिति बहुत ही निकट पड़ सी, दिखने में लग रहा है कंस को उन पे विश्वास था, नहीं नहीं कंस को अपना काम निकलवाने के लिए उनके हाथ पकड़ के बड़े प्रेम से बात कर रहा था। अंदर से कंस सोच रहा था ये अक्रूर परीक्षा के अगर उसने मेरा इस मिशन को स्वीकार किया समझ जाऊंगा ये मेरी तरफ है, अगर इसने कुछ आना कहानी की उसका भी मैं हत्या कर दूंगा ये यदु ही ना। बोले ठीक है इसकी मैं परीक्षा दे देता हूँ। कंस को भी पूरा विश्वास नहीं था और ये जब कंस का दूत बन के ब्रज में आ रहे हैं ब्रजवासी ने इनको बड़े शक्ति दृष्टि से देखे संशय ये कहाँ से आ गया, कंस ने इसको क्यों भेजा, जब भगवान को लेके जाएंगे पूरे ब्रजवासियों के लिए अक्रूर अक्रूर नहीं रहेंगे बहुत क्रूर हो जाएंगे, भगवान को हमसे भेजा जा रहा है, कोई भी अक्रूर जी को सही नहीं समझ बहुत खराब जी को पूरा विश्वास था भगवान तो मुझे सही समझ भगवान अंदर बाहर सब कुछ मेरी चेतना को जानते हैं, भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान देखते हैं तो अमलेन चक्षुषा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, भगवान विश्व देख सबके साक्षी हैं, भगवान अच्युत भगवान कभी दोष भगवान पहचान जाएंगे मेरी क्या मंशा है, मैंने क्यों इतने साल कंस की नौकरी की और किसी मनोरथ में कहा किसने क्यों तो मैंने कंस के इस मिशन को स्वीकार किया आपके दर्शन कर मेरे हर मंशा। देखिए
बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। कई बार हम देखते हैं कुछ भक्त लोग होते हैं भारी रूप से सही कार्य करते, हम तुरंत उन भक्तों के लिए कोई जजमेंट बना लेते, ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा, ये गलत है, ये अपराध। हम कोई चीज किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं है जो व्यक्ति गलत हमें ऑब्जर्व उसके व्यवहार में कुछ गलतियां दिख रही हैं उसका हृदय भी खराब हो, उसके भाव भी खराब हो, उसको जज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम अगर उसके बारे में किसी को बताना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, हमें कह सकते हैं हमें ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते वो तो ऐसा ही है। उदाहरण के तौर पर हम किसी भक्त को देखें बहुत प्लेट भर के चावल खा रहा है, बहुत ज्यादा खा रहा है, आप बोले क्या पेटू कहेगा, ऐसा जब भी देखता हूँ पेटू है ये बस खाता और सोता है, आपने बस उसके लिए जब भी देखता हूँ इतना भर के खाता है पेटू कहेगा, सकता है वो पता खा रहे हों, शायद उनको भोग हो, काफी दिनों से भूखे हों, कोई व्रत रखा हो, कुछ भी कारण कर सकते, या फिर बहुत मेहनत कर कुछ भी कारण कर सकते, कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत कोई जज। इससे क्या होता है शत्रुता की भावना जाए, अगर कोई भक्त बहुत ही गलत व्यवहार करते हुए रहा है तो भी हम बोले मुझे ऐसा व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है, अपने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए भक्तों के तो बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ हो सकता है उसकी मंशा ऐसी। तो अक्रूर जी को कोई भी बाहरी रूप से देखेगा बोले कंस का दूत है, भगवान को कुछ नया कुछ करने आया, हानि पहुंचाने आया है, और ये क्यों ये ऐसा यदु है जो कंस की देखो मस्करी कर रहा था, उसको इतना भय लगता है कंस से, कंस की मस्करी करने लगा, क्यों वो कंस की नौकरी कर रहा है। इसी ढंग से अक्रूर जी की जो स्थिति है रामायण में वैसी स्थिति थी सुमंत्रण की, सुमंत्रा थे वो भगवान दशरथ ने बोला रथ में आप अयोध्या से जब बाहर राम जा रहे थे वनवास के लिए वो रथ चला रहे थे और पूरे अयोध्या वासी पीछे भाग रहे भगवान राम, भगवान राम उनको मना कर रहे हैं मत आओ आप भरत का पूरा सहयोग दो, राम चले गए तो हमारा जीवन चला गया, पूरा जीवन भागते रहे वो। जब रात हो गई तपसा नदी के तट पे भगवान राम ने विश्राम किया, सभी अयोध्या वासियों ने विश्राम किया, भगवान राम ने रात को सुमंत्रा को बुलाया अभी रथ सब सो रहे हैं और इस ढंग से रथ को तपसा नदी के आगे पीछे इस तरह से करो जब ये सुबह उठे तो पता ही ना चले कि रथ किस दिशा में। सुमंत्रा को भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ा बड़े दुख से, उस सब आगे पीछे इतना रथ को घुमा दिया जब सुबह अयोध्यावासी उठे अरे मान नहीं है रथ नहीं है, रथ कैसे गया, सब देखे रथ यहाँ गया वहां गया किसी को समझ में नहीं आ रहा रथ कहाँ गया, और भगवान आगे। और सुमंत्रा के लिए और मुश्किल क्या गया बात थी कि भगवान राम को गंगा जी के तट पे छोड़ के उनको अयोध्या में वापस आना था, इन्हीं अयोध्या वासियों का सामना कर रहा था। तब अयोध्या वासियों ने बोला आपने कहा गया आप भगवान राम को हमसे दे गए, सुमंत्रा जी को ऐसा नहीं सेवक। इस प्रकार भक्ति में कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं लोग हंस सकते हैं हमें गलत समझे, हमारी मंशा ठीक है तो हमें पूरे भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि इनकी दृष्टि क्या है अमलेन चक्षुषा, ये पूर्ण दृष्टि से भगवान विष्णु सहस्त्रनाम में बलदेव विद्याभूषण जी क्या करते बोलते हैं भगवान का एक नाम है निमिषानिमिष, निमिषानिमिष का मतलब है कि भगवान कभी पलक झपकते हैं कभी पलक नहीं झपकते। क्या मतलब है जब भगवान किसी भक्तों के अंदर थोड़े से दोष को देखते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उतना उनको विष पिलाने आई भगवान ने आंखें अनिमिष, और जब देखते हैं भगवान भक्त तो अच्छी सेवा कर रहे भगवान आंखें फाड़ फाड़ के देखना पलक छप भगवान की दृष्टि अमलेन, भगवान भक्तों के गुणों को तो भगवान समझ गए कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं भगवान अच्युत हैं और अंत भाई चेतना को प्रकार से पहले उनके अंदर ये भय उठा कहीं ऐसा तो भगवान नहीं ले लेंगे मुझे, भगवान ऐसा नहीं प्रकार से
कोई कमेंट या प्रश्न? I'm going.